हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा आती है, जिसमें गजेंद्र नाम का एक हाथी पानी में अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था और एकाएक एक बहुत ही शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। कई वर्षों तक उनका युद्ध चला और जैसा हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ पानी का पशु है, और तो उसकी शक्ति पानी में बढ़ती गई और धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती गई। और ऐसी स्थिति में फिर गजेंद्र ने परम भगवान कृष्ण को, हरि को, नारायण को याद किया और गजेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग का वर्णन कुछ इस तरह से है। सोअंतः सरस उरुबले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। उरुबलेन गृहीत आर्थो, वो मगरमच्छ ने गजेंद्र को इतनी शक्ति से पकड़ा हुआ था कि वो अत्यंत पीड़ा में दुखी था। आर्त, और जैसे ही गजेंद्र ने देखा, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम, भगवान नारायण विष्णु गरुड़ जी पे सवार थे और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र था। ख उपात चक्रम, तो जैसे तैसे करके गजेंद्र ने अपनी सुंड से वही पानी में से एक कमल पुष्प को लिया, उत्क्षिप्य सांबुजकरम, और भगवान को ऑफर किया और भगवान से सुंदर प्रार्थनाएं की। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, हे हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इस कथा से हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि गजेंद्र अत्यंत मुश्किल परिस्थिति में था। पैरों को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था, बहुत जोरों से पैरों से खून निकल रहा था, अत्यंत पीड़ा हो रही थी। फिर भी गजेंद्र ने भगवान कृष्ण को स्मरण करना बंद नहीं किया, उनकी भक्ति नहीं छोड़ी। क्या हम ये कर सकते हैं? वेल, हम तो गजेंद्र की तुलना में बहुत ही अच्छी परिस्थिति में हैं। हमारे हाथ पैर सभी इंद्रियां ठीक चल रही हैं, हमें ऐसा कोई दुख भी नहीं है। कोई अगर हमें पूछे कि आप कैसे हो, तो हम कहते हैं सब कुछ ठीक है, बढ़िया हूँ। तो परंतु हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इतना सब कुछ ठीक होते हुए भी भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ते, उनकी भक्ति में नहीं जुड़ते। हम कंप्लेंस करते रहते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में न जाने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। तो हमें गजेंद्र से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से इतनी विकट परिस्थिति में भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, उनको स्मरण करना बंद नहीं किया। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मनः। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति भाव से, प्रेम से अगर कोई व्यक्ति मुझे एक पत्ता, पुष्प, जल या फल भी अर्पण करता है, तो मैं उसका प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि गजेंद्र सिर्फ एक छोटा सा पुष्प भगवान को ऑफर करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये है वो दूसरा पॉइंट जो हम गजेंद्र की कथा से सीख सकते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बड़ी बड़ी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो एक छोटे से पुष्प से भी प्रसन्न हो सकते हैं। ये है भगवान, कितने भक्तवत्सल हैं। और वैसे भी हम भगवान को देवी कह सकते हैं, वो अपने आप में पूर्ण है और सभी कुछ उन्हीं का तो है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हम हमारे बड़े ज्ञान से या फिर फिलॉसफी से या बड़े डोनेशन से भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते। भगवान को केवल एक वस्तु चाहिए, वो है भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारी सेवा, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भौतिक दृष्टि से अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, विद्वान नहीं हो, अमेरिकन, इंडियन, कोई भी भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें एक ही वस्तु की आवश्यकता है, वो है कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारी सेवा। तो जब गजेंद्र ने अपने हाथों से कमल पुष्प को लिया और भगवान को ऑफर किया और भगवान की सुंदर प्रार्थनाएं की, तो भगवान ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से वही वो मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को न केवल पीड़ा से मुक्त किया परंतु उसको सारूप्य मुक्ति भी दिया। उसका मतलब गजेंद्र को वहीं पर भगवान ने अपने जैसा ही सुंदर चतुर्भुज स्वरूप प्रदान किया और वही रूप में वो वहां से वैकुंठ गया। देखिए, ये है भगवान, करुणा के सागर। तो आइए हम सब भी गजेंद्र की इस सुंदर कथा से इन संदेशों को ग्रहण करें और हमारे जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।